आज जज साहब अदालत में थे और कल रिटायर होकर राजनीति पार्टी में। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द नगरी न्यूज और मैं हूँ आप सभी के साथ मनोज। दरअसल जजों को लेकर अक्सर ये सवाल उठाए जाते रहे कि उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए। पिछले कुछ समय में या यूं कहें कि कुछ दशकों में देखा गया है कि कई सारे बड़े जजों ने राजनीति ज्वाइन की, साथ ही अलग अलग पार्टियों में शामिल हुए। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बड़े जज भी शामिल रहे हैं। इसको लेकर काफी विवाद भी हो चुका है। जजों के राजनीति में आने के बाद उनके द्वारा लिए गए फैसलों को संदिग्ध नजरिए से देखा जाता है। ये सवाल आज के समय में बेहद प्रासंगिक हो चुका है। इसको लेकर जजों के राजनीति पार्टी में शामिल होने पर सीजेआई चंद्रचूड ने कहा कि जब न्यायाधीश रिटायर होकर राजनीति में जाता है तो ऐसे में उसको खुद को थोड़ा वक्त देना चाहिए। देखिए, मुख्य न्यायाधीश संजय यशवंत चंद्रचूड का कहना है कि जजों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड होना जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि जजों को राजनीति में जाना चाहिए या नहीं, ये तो बस बहस का मुद्दा है, लेकिन जज बनने के बाद रिटायर होकर जब आप राजनीति में जा रहे हैं तो कूलिंग पीरियड होना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बार आप जज नियुक्त हो जाते हैं तो आजीवन जज ही रहते हैं, चाहे आप अदालत में कार्यरत हो या नहीं हो, या फिर आप रिटायर हो जाएं, लेकिन आम नागरिक आपको देखता है तो सोचता है कि आप तो जज हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, जज की बोलचाल व्यवहार से सब रिटायर होने के बाद भी वैसा ही दिखना चाहिए। मैं किसी और के फैसले की समीक्षा नहीं करना चाहता। हम कहते हैं कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। मान लीजिए कि आज जज साहब अदालत में थे और कल रिटायर होकर उन्होंने किसी राजनीति पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो आम आदमी इस पर क्या सोचेगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द नगरी न्यूज के साथ। नमस्कार।